नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड। आपको यहां पर बताने जा रहे हैं उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ करेंगे सीएम। ये इस वक्त की बड़ी खबर। शाम 4 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे धामी। ये बड़ी जानकारी, लखनऊ से गुजरात के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। तो ये जानकारी फिलहाल यहाँ पर साझा की गई है। सीएम धामी रोड शो करेंगे, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट को लेकर रोड शो होगा। तो उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शाम 4 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे धामी। ये बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ से गुजरात के लिए रवाना होंगे। तो बता दें आपको, 1 नवंबर को गुजरात में रोड शो होने जा रहा है। तो सीएम धामी रोड शो करेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें उत्तराखंड महोत्सव का आगाज उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट को लेकर ये रोड शो होने जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शाम 4 बजे लखनऊ एयरपोर्ट से पहुंचेंगे धामी और उसके बाद लखनऊ से सीधा गुजरात के लिए रवाना हो जाएंगे। तो 1 नवंबर को गुजरात में होगा रोड शो। यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट को लेकर एक बड़ा रोड शो जो है वो होने जा रहा है, उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ करने वाले हैं मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो उत्तराखंड महोत्सव का आगाज मंगलवार से आज होने जा रहा है। वही बीरवल सानी मार्ग स्थित पंडित गोविंद बल्लभ पंच पर्वती सांस्कृतिक उपवन में यह शुरू होने जा रहा है। 10 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हो रहा है। और साथ ही साथ यदि इसमें बताया जाए तो इसमें सीएम धामी का जो स्वागत किया जाएगा, वहां पर परंपरागत वेशभूषा झोरे के 500 कलाकार यहां पर पुष्प वर्षा करेंगे। साथ ही साथ उत्तराखंड से आए छोलिया दल भी विविध करतब दिखाते हुए वाद्य यंत्रों की भी प्रस्तुति देगा। और सबसे बड़ी बात यदि इसमें की जाए तो इसमें बताया गया है कि उत्तराखंड महोत्सव में करीब 250 स्टॉल लगेंगे, जिनमें उत्तराखंड की दालें, हर्बल जूस, कश्मीरी शॉल, कालीन बाल मिठाई आदि इसमें शामिल किया जाएगा। इस प्रकार से उत्तराखंड महोत्सव में पूरी तरीके से उत्तराखंड रंग ही दिखेगा। लोग खुद को अपने आप को उस समय जो देखेंगे, लोग खुद को अपने आप को महसूस करेंगे कि वो उत्तराखंड में ही है और उत्तराखंड की वादियों के ही बीच में आनंद ले रहे हैं। वही दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इसी प्रांगण में कई एक सुंदर मंच के प्रांगण में महिला प्रकोष्ठ द्वारा रंगोली तथा पहाड़ की लोक विधा को जीवंत करते हुए सुंदर एपन भी बनाया जाएगा। और इसमें झोड़ा, किड्स फैशन शो, नृत्य, कवि सम्मेलन, निबंध, चित्रकला, गायन, इस तरीके की प्रस्तुतियां आयोजन की जाएगी। वही यदि बात की जाए उत्तराखंड महोत्सव की, तो उत्तराखंड डांस में विशेष दिलचस्प प्रतियोगिता के 21 दल भाग लेंगे, जो 120 गीतों पर नृत्य प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कुमाऊं, गढ़वाली और जौनसारी एवं श्वेता गीत नृत्य को शामिल किया जाएगा। वही उसके बाद मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम होगा वो फिर वापस वहां से गुजरात की ओर रवाना होंगे। अहमदाबाद वो जाएंगे और अहमदाबाद में जाने के बाद वो करीब 9 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे और वहां पर वो रात्रि विश्राम होटल हयात रेजिडेंसी में करेंगे। और अगले दिन 1 नवंबर बुधवार की यदि बात की जाए तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुजरात में प्रतिभाग करेंगे और 3 बजे के आसपास वो बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट B2B मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें वो प्रतिभाग करेंगे और लोगों को और खासकर के बिजनेसमैन को, व्यापारी वर्ग को यह समझाएंगे कि आखिर उत्तराखंड में जो इन्वेस्टर समिट किया आयोजन किया जा रहा है, कितने किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है और उत्तराखंड किस तरीके से इन्वेस्टर के लिए हब बनते जा रहा है। उत्तराखंड में इन्वेस्ट करना कितना फायदेमंद है, कितना लाभदायक है, क्योंकि लोगों को यह लगता है, बाहरी लोगों को यह लगता है कि उत्तराखंड में जो पहले की स्थिति थी वो स्थिति अब नहीं है। पहले की सरकार जो थी वो कांग्रेस सरकार थी और अभी की भाजपा सरकार की स्थिति में काफी अंतर आ गया। अभी बात की जाए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत समय के कार्यकाल की भी और अभी के मुख्यमंत्री भाजपा के पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल की भी, तो भी इसमें बहुत अंतर आ गया है। साथ ही साथ उन्होंने एक अलग सेल भी बनाया गया है जो बाहरी लोगों को, जो इन्वेस्टर आते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। और दूसरी बात, पहाड़ों पर भी काफी सुविधाएं दी जा रही है। जैसे बात की जाए ट्रेन को पहुंचाया जा रहा है, ट्रेन को पहुंचाने का भी मकसद कहीं ना कहीं ये भी है कि ट्रेन के द्वारा सुगम तरीके से सामान को ढुलाई की जा सके। दूसरी सबसे बड़ी बात है, उत्तराखंड काफी पर्यटन से भरा क्षेत्र है, वहां पर काफी ज्यादा बिजनेस की संभावनाएं, अपार संभावनाएं हैं। पहाड़ों पर भी ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग सकती हैं, जिसमें
लोगों को इजीली रखा जा सकता है वहां पर, पहाड़ के लोग वहां पर करेंगे, जिससे पलायन भी दूर होगा, बेरोजगार की बेरोजगारों की समस्याएं दूर होगी। तो इस प्रकार से इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कई विदेश का दौरा ही कर चुके हैं, साथ ही साथ देश के कई अन्य राज्यों का भी दौरा कर चुके हैं और लोगों को बिजनेस छात्रों के व्यापारी वर्गों के साथ उनकी मीटिंग लगातार चल रही है। और मीटिंग के साथ ही साथ वो व्यापारी वर्ग को क्लियर बताते हैं कि यहाँ पर आए, उत्तराखंड आए, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र दोनों का वो भ्रमण करें, यहाँ पर उनको व्यवस्थाएं पूर्ण व्यवस्थाएं दी जाएगी, पूर्ण सुविधाएं दी जाएगी और यहाँ तक कि यहाँ पर इनके इनको जो भी और यदि संशोधन की बात की जाए इसमें कानून में, तो बिल्कुल उसमें भी बदलाव किया जाएगा, एक स्तर तक उसमें भी कुछ उनको छूट दी जाएगी, रियायत दी जाएगी। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार ये आयोजन किया जा रहा है, रोड शो किया जा रहा है, क्योंकि 6 और 7 दिसंबर को उत्तराखंड में एक बृहत लेवल पर ये बृहत लेवल पर यहाँ पर होना है। उसके बाद इसी को देखते हुए यहाँ पर पूरा देहरादून की भी यदि बात की जाए, इन्वेस्टर समिट होना है देहरादून की भी बात की जाए, तो देहरादून में भी इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरी तरीके से सड़कें सड़कों को चमका दी जा रही है, रंग कार्यक्रम किया जा रहा है। कुल मिलाकर इन्वेस्टर्स को यहाँ पर आकर्षित करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आप रुख करेंगे दौंड में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक, कई प्रस्तावों पर लगी मोहर, सहायिका लेखाकार के पदों में होगी बढ़ोतरी। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता, अब तक 16,94,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, 18 नवंबर को बंद होंगे धाम के कपाट। 24 के चुनावों को लेकर बीजेपी तैयार, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र भट्ट का बयान, कहा जमीनी स्तर पर संगठन को करेंगे मजबूत, चुनावों में बड़ी जीत हासिल करना हमारा लक्ष्य। उत्तराखंड में सतर्कता सप्ताह का आरंभ, 5 नवंबर तक चलेगा कार्यक्रमों का सिलसिला, सीएम धामी ने किया शुभारंभ। मेरी माटी मेरा देश अभियान का 31 अक्टूबर को समापन समारोह, पीएम मोदी समापन कार्यक्रम को करेंगे संबोधित, बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क में मिला बाघिन का शव, महकमे में मचा हड़कंप, उच्च अधिकारियों और पार्क के डॉक्टरों की टीम ने शुरू की जांच। हरिद्वार में सत्यापन अभियान चलाया गया, दूसरे जनपदों और से आए लोगों की जा रही है ट्रैकिंग, सत्यापन न होने पर मकान मालिक के विरुद्ध होगी कार्रवाई। रामनगर में बाघ का आतंक, का श्रमिक पर किया जानलेवा हमला, गंभीर रूप से घायल, वो अस्पताल में करवाया गया भर्ती। विकासनगर में वायु प्रदूषण में लगातार हो रही बढ़ोतरी, बागानों में फिर भी पेड़ों की कटान जारी, मामले में प्रशासन भी सुख। पुरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, बीजेपी का पुतला फूके रखा कार्यक्रम, कांग्रेस ने बताया लोकतंत्र की हत्या। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। वो दिन दूर नहीं जब गोला नदी पर जमराधी बांध बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी सिंचाई, बिजली और पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। पेश है रिपोर्ट। नैनीताल में काट गोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गौला नदी पर 150.60 मीटर ऊंचाई पर जमरानी बांध का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए केंद्र सरकार से उत्तराखंड राज्य सरकार को मिली 1,730 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने मंजूरी दे दी है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बांध परियोजना के निर्माण से हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल समेत सिंचाई की समस्या का हल हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पिथौरागढ़ का प्रवास हुआ, उस प्रवास के दौरान भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि इस तराई भावर की इस महत्वपूर्ण योजना को स्वीकृति प्रदान हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो यहाँ की समस्या पेयजल और
सिंचाई की है वो समाप्त होगी। इस योजना के स्वीकृत होने से जहां पेयजल की समस्या समाप्त होगी, सिंचाई की भी और फसलों के लिए किसानों को भी इसके लिए बड़ा लाभ होने वाला है। साथ में विद्युत उत्पादन भी इस योजना से होगा। मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से, सभी की ओर से बहुत उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लंबे समय से रुकी हुई इस योजना को स्वीकृति प्रदान की है। जमरानी बांध परियोजना की कल्पना 1970 के दशक में की जा चुकी थी, हालांकि इसे धरातल पर शुरू करने में सालों लग गए। वहीं अब केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने पर उत्तराखंड बीजेपी ने खुशी जाहिर की है। देखिए, आप जानते हैं कि केंद्र सरकार हर बार हमें बहुत सी चीज़ों के लिए हमें सहयोग करती है। जमरानी बांध बहुत पहले से जिस प्रकार से पेंडिंग था, और हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि चाहे कोई भी बांध हो उससे हमें लाभ मिलता ही है। इसके स्वीकृति के बाद जहाँ हमें विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, और उसी प्रकार आप जानते हैं कि थोड़ा सा हमें जो बेरोजगारी है उससे भी जनता को, लोगों को लाभ होगा, रोजगार इससे बढ़ेगा। और हमारे प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, लगभग ऊर्जा प्रदेश कहा जाता था। ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार का मैं धन्यवाद कर रहा हूं, माननीय मोदी जी का धन्यवाद कर रहा हूं। हर बार वो हमें कुछ ना कुछ इस प्रकार का आशीर्वाद देते हैं। उत्तराखंड राज्य वासियों के लिए, और जो हमारा हल्द्वानी नैनीताल का जो तराई क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लिए जमरानी बांध एक संजीवनी के रूप में काम करने वाला है। वर्षों से जमरानी बांध के लिए मांग चल रही थी, समय समय पर केंद्र से उसके लिए सिफारिश भी की गई, तमाम तरीके के जो भी उनकी रिपोर्ट्स थी उसका आकलन किया गया। अब ये केंद्रीय योजना के तहत स्वीकृत हुई है, तो ये हमारे सब के लिए बहुत गौरव का विषय है और ऐतिहासिक क्षण है कि केंद्र सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जमरानी बांध में 90% केंद्र का निवेश करने का जो उन्होंने अनुग्रह स्वीकार किया है, केंद्रीय कैबिनेट में इसको स्वीकार किया है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बात करें इस परियोजना से मिलने वाले फायदे की, तो परियोजना से लगभग 1,50,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। साथ ही इस परियोजना से हल्द्वानी शहर को सालाना 42 MCM पेयजल उपलब्ध कराए जाने और 63 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन का प्रावधान भी है। करोड़ों रुपए के खर्च से बनने वाली इस जमरानी बांध के निर्माण को मार्च 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। सरकार की मंशा है कि जल्द से जल्द निर्माण का काम पूरा कर हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्र में पेयजल की समस्या को दूर किया जा सके। जनता टीवी के लिए देहरादून से नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। उधर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की अहम बैठक का संपन्न हुई। कैबिनेट बैठक में विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर गहन चर्चा हुई। इस दौरान 30 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। इस बैठक में मंत्री सुबोध उनियाल और रेखा आर्य मौजूद रहीं, जबकि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी और प्रेमचंद अग्रवाल विदेशी दौरे के चलते शामिल नहीं हो पाए। अगला मत माध्यमिक शिक्षा का है। ये ITI में जैसे 8वीं कक्षा पास करके कोई ITI में चला जाता है और 2 साल वहाँ पढ़ाई करके अपना पास हो जाता है, सर्टिफिकेट ले लेता है, लेकिन उसको अगर 10वीं का सर्टिफिकेट चाहिए तो फिर उसको 2 साल के लिए पढ़ना पड़ता था। अब ये कर दिया गया कि अगर उसने 8वीं पास की है और ITI का सफलतापूर्वक उसने पास कर लिया है और केवल हिंदी का एग्जाम 10वीं का दे के उसको 10वीं के बराबर मान लिया जाएगा। इसी तरह जो 10वीं कक्षा के बाद ITI आता है वो और पास हो जाता है, ITI से सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो केवल हिंदी की परीक्षा पास करके उसको 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये बहुत लंबी मांग थी। इससे जो ये आपके ITI में जाने वाले, रुचि रखने वाले स्टूडेंट हैं, उनको काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा और वो जा पाएंगे। उधर बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में हारी हुई 23 सीटों पर जीत के लिए सांसदों की जिम्मेदारी तय कर दी है, जिसके तहत 6 से 17 नवंबर तक सांसद विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। और साथ ही बता दें कि पार्टी ने हारी सीटों को 60% अधिक मतों से जीतने का लक्ष्य रखा।
अपने जो 7 सांसद से अभी कार्यक्रम मांगा है, इसमें डॉक्टर रमेश्वर निशंक जी को जो हमने विधानसभा दी थी हरिद्वार ग्रामीण खानपुर ज्वालापुर द्वाराहाट, तो 6, 7 और 8 तारीख को इन विधानसभाओं में इनकी बैठकें होंगी। 13 जी से द्वाराहाट बद्रीनाथ अल्मोड़ा 3 विधानसभा का समय लिया है, ये भी 7 और 8 तारीख को ये बैठकें इनके द्वारा होंगी। नरेश बंसल जी पे भगवानपुर मंगलोर पिरान क्लियर 3 विधानसभा हैं, ये 8, 9 और पिरान क्लियर 15 तारीख को इनका प्रवास रहेगा। अजय भट्ट जी के पास खटीमा नानकमता किच्छा और नैनीताल, इसमें अजय जी का नैनीताल वाली नैनीताल में हल्द्वानी विधानसभा है, तो हमने खटीमा नानकमता किच्छा ये 15, 16, 17 तारीख तय हुई है। अजय टमटा जी को हमने लोहागाट धारचूला पिथौरागढ़ 3 कार्यक्रम अभी दिए हैं, इनमें 6, 7 और 8 तारीख को इनका प्रवास होगा। डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा सांसद हैं झबरेरा लक्सर और जसपुर, इनको भी हमने 6, 7, 8 तारीख की तिथि इनके लिए तय हुई है। महारानी माला राजप्रसाद जी को प्रतापनगर यमुनोत्री चक्रोता, इनको भी हमने केवल चक्रोता 16 तारीख को जाएंगे और 7, 8 तारीख की तिथि हमने तय की है। उधर उत्तराखंड में बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए दरअसल अब कई कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें पार्टी के निर्वाचित सदस्य सभी मिलकर बूथ स्तर से लेकर जिले स्तर तक संगठन को मजबूत करेंगे, ताकि चुनाव में पार्टी को बड़ी जीत हासिल हो सके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो फिर 19 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन कार्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति के सभी पदाधिकारी, निर्वाचित सदस्य, ग्राम प्रधान, सांसद सभी इन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। हमारे 6 माह के कार्यक्रम की श्रृंखला में नवंबर माह प्रारंभ हो रहा है। नवंबर माह के अंदर हमने तय किया था कि हम सामाजिक के विभिन्न वर्गों के कार्यक्रम इस माह में करेंगे, तो हमने अब निश्चय किया है कि 19, 20, 21 नवंबर हम लोग 19 तारीख और 20 तारीख को गढ़वाल संभाग में और 21 और 22 तारीख को कुमाऊं संभाग में 2 सामाजिक कार्यक्रम जनप्रतिनिधि करने वाले हैं। 19 तारीख को अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि के कार्यक्रम, उनका एक सम्मेलन हम लोग देहरादून में करेंगे, जिसमें अनुसूचित जाति के निर्वाचित जनप्रतिनिधि क्षेत्र पंचायत सदस्य से लेकर और सांसद तक और नगर पालिका है नगर निगम के सभासद से लेकर महापौर तक हमारे पार्टी में भी और मोर्चों में भी प्रदेश स्तर पर जो अनुसूचित जाति के हमारे पदाधिकारी हैं, इन सबको आमंत्रित करते हुए आगामी दिनों के अंदर बस्ती संपर्क के कार्यक्रम और समाज के उन वर्गों तक केंद्र और राज्य सरकार उपलब्धि पहुंचाने के कार्यक्रम की श्रृंखला बनाने वाले हैं। तो 19 तारीख को ये कार्यक्रम होगा, 20 तारीख को ही जनजाति का विकास नगर में हम लोग करेंगे जनजाति के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन, और 21 तारीख को कुमाऊं मंडल के अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन हमारा हल्द्वानी में होगा। उधर आपको बता दें कि राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत बोर्ड की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली मर्तबा कुमाऊं दौरे पर हैं, और अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने काशीपुर से की, जहां पर भाजपा के नेता और पीसीयू चेयरमैन राम मेहरोत्रा ने जोरदार स्वागत किया। वहीं अपने संबोधन में कैलाश पंत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, पार्टी में कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है। इसके साथ ही उन्होंने 24 के चुनावों में बीजेपी की जीत का दम भी भरा। जो मुझे दायित्व मेरे सरकार ने दिया है, तो मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूँ। बहुत अधिक संख्या में श्रमिक हैं अपने प्रदेश में भी, और उनकी जो भी समस्या है, जैसे कोई सुविधा भर हैं या जिनके स्वास्थ्य संबंधी अनेकों उनकी चीज़ें होती जो नहीं हो पाती, उनकी जो है वेतन संबंधित उनकी विसंगतियाँ होती, उनको दूर करने का प्रयास करूँगा। और ऐसे जितने भी उनके हितों की के लिए चीज़ें हमारे सरकार ने तय की हैं, वह हितों का उनका उनको लाभ मिले उन चीज़ों का, इसलिए मेरा प्रयास जारी रहेगा।
बात करें तो आज काशीपुर पहुंचे हैं, आपका अपने स्वागत हुआ है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? मेरा ये पहला दौरा चल रहा है दायित्व मिलने के बाद, और काशीपुर से मेरा बड़ा लगाव है, क्योंकि हमें संगत प्रचारक निकला तो मैं इसी जिले से निकला, और लगातार कार्यकर्ताओं का भी आग्रह था कि आप जब यहाँ से निकलोगे तो निश्चित तौर पर आपका कार्यक्रम रखेंगे। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भव्य दिव्य जो कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया, तो बड़ा अच्छा मन को लगा कि हमारे कार्यकर्ता पार्टी के वो पार्टी के बारे में विचार करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो उन्होंने भी पार्टी का ही व्यक्ति मेरे बारे में उन्होंने विचार किया, स्वागत का उनका धन्यवाद। उधर उत्तराखंड में जल्द ही नगर निकाय के चुनाव शुरू हो सकते हैं। आपको बता दें कि राज्य में निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। नियम के तहत निकायों के कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाता है। वहीं इस दौरान देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा कहा कि दरअसल देहरादून नगर निगम का ओबीसी सर्वे पूरा हो चुका है, नई वोटर लिस्ट पर कार्य चल रहा है और जल्द ही ये कार्य भी पूरा हो जाएगा। कि सरकार चुनाव के लिए जो है प्रतिबद्ध है, सरकार का जो ओबीसी सर्वे था उन्होंने लगभग हमारा पूरा हो गया। वार्डों में कुछ जो निकाय चुनाव होते हैं उसमें वोटर लिस्ट जो है हर 5 साल में नई बनती है, तो ये कुछ काम चल रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें विलंब हो गया है, लेकिन चुनाव जो है बहुत जल्दी जो है चुनाव जो है निकाय के चुनाव सम्पन्न होंगे। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।